Hello everyone, welcome to this video. I will cover here access control matrix, how to implement access control matrix over here. Before proceeding to access control matrix, first we have to know about the protection model. सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता क्या है. प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ साथ जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं उनमें किस ऑब्जेक्ट को कौन से राइट्स ऑब्टेंड हैं. लाइक हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नेम होता है और हर ऑब्जेक्ट को कुछ राइट सेट्स दिए जाते हैं जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज में आते हैं. जैसे सपोज दैट कोई एक फाइल है F1, means object name is F1, so F1 have write, read, write, and any file is F2 which have access write, read, write, and execute all. We can further classify these protection mechanism in different modules. Likewise, you have different users in your computer system at various time. Then if all the users are called module, means hum domains kehte hain. Domains aapke kya hote hain, user ho sakte hain, process ho sakte hain aur procedures ho sakte hain. To suppose that koi ek file hai, usko domain 1 ko उस पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने की अथॉरिटी है. देन डोमेन 2 को उसी फाइल को रीड राइट बोथ है और डोमेन 3 को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों अथॉरिटीज ऑब्टेन है. दीज ऑल आर द एक्सेस राइट्स. सपोज हम बात करें प्रिंटर की, देन प्रिंटर इज शेयरेबल इन बिटवीन ऑल द डोमेन्स. देन देयर इज एक्सेस राइट for everyone to access the printer by all the domains. So hum keh sakte hain ki har ek domain object aur uske sath jitne write set hote hain unka combination hota hai. Hum inko likhte hain D1 bracket object name domain name bracket object name comma writes in a pair form. Likewise D1 ब्रैकेट में sorting.c आर रीड, देन D1 जो डोमेन 1 है उसको sorting.c का सिर्फ रीड अथॉरिटी ऑब्टेंड है. अब हम मूव करेंगे एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स की बात करेंगे. एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स आपकी प्रोटेक्शन मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए यूजफुल होती है. इस मैट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, रोज एंड कॉलम. जितने भी रोज होते हैं वो डोमेन को डिक्लेयर करते हैं. डोमेन मींस यूजर, प्रोसेस, प्रोसीजर्स. एंड कॉलम्स आर द फाइल्स, मींस हम कह सकते हैं कॉलम्स आर द ऑब्जेक्ट वेयर ऑल द एक्सेस राइट्स आर गिवन. लाइकवाइज हम अगर टेबल को देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड डोमेन्स, D1, D2, D3 यहाँ पे डोमेन्स दिखाए गए हैं और फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, प्रिंटर, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट. हेयर द फील्ड, दिस फील्ड रिप्रेजेंट द एक्सेस राइट ऑब्टेन बाय विच डोमेन. सो यहाँ पे अगर हम बात करें D1 डोमेन को ऑब्जेक्ट 1, फाइल 1 पे रीड ऑपरेशन है एंड फाइल 3 का रीड ऑपरेशन ऑब्टेंड है. इसी तरीके से D3 पे फाइल 1 राइट एंड फाइल 3 एग्जीक्यूट ऑपरेशन, D4 फाइल 2 का राइट ऑपरेशन ऑब्टेन है. ये जो आपको मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है जहां पे डोमेन्स और ऑब्जेक्ट और उनके एक्सेस राइट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया है, यही आपकी एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स कहलाती है. जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक n क्रॉस n मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स.
एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए चार डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें ग्लोबल टेबल मेथड, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कैपेबिलिटी लिस्ट एंड लॉक की मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम ग्लोबल टेबल मेथड को समझेंगे। ग्लोबल टेबल मेथड आपका डोमेन, ऑब्जेक्ट, राइट सेट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पहले हम एक्सेस मैट्रिक्स में लिख रहे थे D1 फाइल 1 राइट, अब हम लिखेंगे D1 फाइल 1 राइट। है सिमिलर ही, बस थोड़ा सा चेंज है कि हम एक साथ ही डोमेन, ऑब्जेक्ट और राइट सेट को एक साथ डिक्लेयर करेंगे। अब जैसे ही फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्टेन होती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम ऑब्जेक्ट्स के राइट सेट से मैच कराते हैं। अगर हमारा राइट सेट सिमिलर फाउंड होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहता है, तो फाइल एग्जीक्यूट होती है, वरना एरर अकर हो जाती है। ये आपका ग्लोबल टेबल मेथड होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स विच आई हैव डिक्लेयर्ड, विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये ग्लोबल टेबल मेथड आपका लार्ज स्केल पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, डोमेन्स ज़्यादा होंगे, तो आपकी टेबल इंक्रीज करेगी, टेबल साइज इंक्रीज करेगी, तो हर डोमेन के साथ डोमेन, ऑब्जेक्ट, राइट सेट लिखना डिफिकल्ट होगा। इसलिए इस ड्रॉबैक को कुछ हद तक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू रिड्यूस किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ग्लोबल टेबल मेथड। यहां पर हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करेंगे, या हम कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस राइट्स ऑब्टेन्ड है। लाइकवाइज यहां पर हम डोमेन हमारा फोकस में नहीं रहेगा, हम यहां पे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे और उनके एक्सेस राइट की बात करेंगे। सारे के सारे सिक्योरिटी एट्रीब्यूट कंट्रोल लिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाइड होंगे। एक कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कौन से राइट अवेलेबल हैं। जब कोई भी रिक्वेस्ट अराइज होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट की कंट्रोल लिस्ट से मैच कराएंगे, और अगर वो कंट्रोल राइट उस ऑब्जेक्ट को अलॉटेड है देन उसको प्रिविलेजेस मिलेंगी, अदरवाइज एरर अकर हो जाएगा। यहां पर भी सेम ड्रॉबैक है कि अगर डेटा साइज ज्यादा इंक्रीज किया तो हमें टेबल हमारी इंक्रीज करेगी, जिससे फाइल सेट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सेस राइट्स इंक्रीज होंगे। एक्सेस राइट जैसे जैसे मॉडिफाइड होंगे, वैसे वैसे हमारे जो लिस्ट है उसको भी हमें मॉडिफाई करना होगा। ये ड्रॉबैक इसमें भी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपेबिलिटी लिस्ट मॉडल। कैपेबिलिटी लिस्ट जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस और फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। हर ऑब्जेक्ट का एक फिजिकल नाम या एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम में गिवन होता है। वो एड्रेस और फिजिकल नेम को हम कैपेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम जैसे एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स में हम सारे जितने ऑब्जेक्ट्स थे उनकी टेबल पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पर हम डोमेन्स को फोकस में लेंगे। यहाँ पर किस डोमेन पे किस ऑब्जेक्ट के कौन से राइट ऑब्टेंड है, मींस यहाँ एक एक डोमेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हर डोमेन के सपोज दैट एक D1 है और उसमें 10 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट्स में उसको एक्सेस राइट ऑब्टेन है, तो हम उस ऑब्जेक्ट डोमेन की
उस ऑब्जेक्ट से मैपिंग कराएंगे, मींस जो हमारे यहाँ पर टेबल क्रिएट होगी वो डोमेन वाइज होगी ना कि ऑब्जेक्ट वाइज, मींस कौन सी कैपेबिलिटी किस डोमेन में कौन से राइट्स को होल्ड करके रखती है। तो वो जो आपकी लिस्ट रेडी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटी लिस्ट। जब भी आपको एग्जीक्यूशन होना होता है तो कैपेबिलिटी लिस्ट के पॉइंटर से हम मैच कराते हैं। लास्ट वन है आपका लॉक की मैकेनिज्म, यह इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस लिस्ट एंड कैपेबिलिटी लिस्ट मॉडल। लॉक होता क्या है, लॉक एक यूनिक पैटर्न होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक पैटर्न होता है जिसको हम की बोलते हैं। यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है कि जब भी जो भी ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है अगर वो राइट उसको ऑब्टेंड है, मींस अगर सपोज दैट कोई भी फाइल एक्स है वो एग्जीक्यूट मोड में जाना चाहती है और उस डोमेन को एग्जीक्यूशन अलाउड है, तो उस टाइम पीरियड पे उस पे एक लॉक अराइज होगा जिससे और कोई एंटिटी उस टाइम उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके। होपफुली आपको एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। आपको इनके डिटेल्ड नोट्स मिल सकते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ASRIMT ऐप, वहां पर आपको इनके PDF नोट्स भी अवेलेबल होंगे जिससे आप इन वीडियोस को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।